ओवरऑल जनरेटर रामचंद्र घोड़ा जी और यहाँ उपस्थित कार्यकर्ता और यहाँ की प्रबुद्ध जनता जो हमें हर मोड़ पर स्वागत कर रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और सिकल रामचंद्र गौड़ा जी को विजयी बनाने के लिए आप सबके बीच में आया। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट और सीटियों से मैं समझ जाता हूं कि आपने फैसला कर लिया है कि आप रामचंद्र जी को चुनाव जिताएंगे। यह चुनाव सिर्फ सुधाकर भाई का नहीं है, रामचंद्र जी का नहीं है, नलिन कटील जी का नहीं है। यह चुनाव कर्नाटक को विकास की लंबी छलांग लगाने का फैसला करने का चुनाव है और इसीलिए समय की आवश्यकता है, समय की जरूरत है कि हम यह डबल इंजन की सरकार को डबल स्पीड से फिर से चला करके आगे ले। जब हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं तो हमारा कहना बड़ा स्पष्ट है। तजुर्बे हमको बताते हैं कि जब जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही है